तो भुरकुंडा स्थित अन्य क्षेत्रों में मैदान नहीं रहने के कारण फोरलेन सड़क पर दौड़, योगा सहित अन्य चीजों की तैयारी में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में फोरलेन सड़क में एक लड़की के पैरों पर एक फोर व्हीलर चढ़ गया। वहीं कहीं ये भी देखा जा सकता है कि मैदान भुरकुंडा के जवाहर नगर में जिम खाना के संचालक ने कहा कि मैदान की जरूरत है। दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, आए दिन लोग डर के मारे लोग यहाँ कर रहा है, योगा करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, गाड़ी आना जाना करता है, हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। आए दिन एक दिन ऐसे ही हाल फिलहाल में एक लड़की का पैर कट गया योगा करते हुए, पर यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड नहीं है कि लोग वहाँ बैठ के योगा कर सके, खेल कूद कर सके। ऐसे हजारों बच्चा देखिए रोज आता है यहाँ पर, रोड में समस्या है, इसलिए यहीं पे करता है, जगह नहीं है कहीं पे, किसी ग्राउंड एक नहीं है कि हाँ आदमी वहाँ जा कर के खेल कूद कर सके, योगा कर सके। तो यही तो सरकार है यहाँ पर नेता लोग, यहाँ पर ग्राउंड में कोई मामला है लेकिन यहाँ पर ग्राउंड है नहीं, जिसके कारण आदमी फोर लाइन पर, रोड पर या कहीं होटल के आगे से आदमी खड़ा होकर योगा करता है, जिसमें एक्सीडेंट का हमेशा संभावना बना हुआ रहता है, क्योंकि ये ग्राउंड का होना अति आवश्यक है, इस पर कोई ध्यान दे तब ना। जन प्रतिनिधि नेता लोग तो आते होंगे, हेलीकॉप्टर से वादा भी करते होंगे, सिर्फ आते हैं, चेहरा दिखाते हैं और चले जाते हैं, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। रोड आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं, अब कब मिलेगा कहना ही मुश्किल है, क्योंकि वादा वादा ही रह जाता है। रोड से फायदा क्या क्या है पूरे क्षेत्र में, भुरकुंडा क्षेत्र में कहीं ग्राउंड नहीं रहने का रहे, सही दिक्कत है। आज युवाएं हैं चाहे बुजुर्ग, फोर लाइन का सहारा लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं यह रामगढ़ पत्रा फोर लाइन है, जहाँ पर यहीं पर अभ्यास करते हैं, कसरत हो चाहे दौड़ हो चाहे अनेक प्रकार के अभ्यास होती है, सुबह शाम का सभी यहाँ पर करते हैं। ऐसे में फोर लाइन का ये दिख रहा है तस्वीर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पत्रातू रामगढ़ फोर लाइन सड़क है, जहाँ पर दो तरफ फोर लाइन ही है। हाल के दिनों में एक लड़की का ये दौड़ के दौरान ही, अभ्यास दौरान ही एक लड़की का पैर में चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ फोर व्हीलर से। लेकिन सरकार की नींद कब जाएगी? सरकार तो वादा करते हैं चुनाव मैदान में कि हम ग्राउंड देंगे, ग्राउंड को उधार करेंगे। हाल के दिनों में पिछले जो बीता हुआ जो समय है, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने ठीक किया जाएगा, हर क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में ग्राउंड दिया जाएगा, लेकिन विधायक का वादा कहाँ रहा? ऐसे में यहाँ पर सांसद जो मनीष जसवाल जीत के गए हैं, सांसद मनीष जसवाल क्या करते हैं क्षेत्र की, भुरकुंडा क्षेत्र कहीं भी ग्राउंड नहीं है कहीं भी अभ्यास करने के लिए, ऐसे में अभ्यास नहीं होने, ग्राउंड में अभ्यास नहीं हो पाता है, जिसके कारण आज सभी बच्चे हैं चाहे जो बुजुर्ग है चाहे फोर रन के सहारा रहते हैं। रफ्तार में गुड्डू पांडे, रामगढ़।